Hello guys, you are most welcome to my YouTube channel SEL Classes. Today I am back here with another lesson. Today I am going to teach you something special. By this video, by this lesson, you can speak 50% English in every conversation. Yes, definitely this lesson will help you. This lesson will improve your English and you will talk in English 50% English you can speak by this lesson. तो आज का जो हमारा लेसन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है. आप समझिएगा, ये मत सोचिएगा ये तो मैं पहले पढ़ चुका था. तो सबसे पहले इंग्लिश बोलने के लिए मैं बता दूं, आपको सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए. तो आज इस वीडियो में आप विश्वास करके लास्ट तक देखिए, बड़ा ही मज़ा आएगा. इस वीडियो को देखने में भी पढ़ने में भी आपको ढेर सारी नॉलेज भी मिलेगी. तो आज का जो लेसन है यूज ऑफ डू एंड डज. अब आप लोग सोच रहे थे यूज ऑफ डू एंड डज तो मैं बहुत बार पढ़ा हूँ, कॉलेज में पढ़ा हूँ, जब मैं क्लास फिफ्थ में था, सेवेंथ में था, एट्थ में था, ट्वेल्थ में था, इंटर फर्स्ट ईयर फाइनल ईयर तभी पढ़ चुका हूँ. तो फिर एक स्पेशल कैसे हुई? बिल्कुल स्पेशल गाइज, अगर आपको यूज ऑफ डू एंड डज का लेसन आता है तो आप किसी भी टॉपिक पे कन्वर्सेशन कर सकते हैं. और ज़्यादातर इसी रूल से, इसी लेसन से ही इंग्लिश बोली जाती है. 50% इंग्लिश इज स्पोकन इन एवरी कन्वर्सेशन. जैसे कि अगर आप बात करते हैं कि मोदी विदेश जाते हैं, मैं समझता हूँ, वह बोलता है, मैं पढ़ता हूँ, मैं सीखता हूँ, मैं आपकी वीडियो को लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ, आप देखते हैं, मैं पढ़ने जाता हूँ, मैं सीखने जाता हूँ, आप बोलने आते हैं, आप वीडियो देखने आते हैं, वह आता है, मैं नहीं जाता, क्या आप आते हो, आप क्यों आते हो, आप क्यों पढ़ाते हो. तो अब आपको लग रहा होगा यूज ऑफ डू एंड डज इसकी पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते है. आप देख सकते हैं यहाँ पर यूज ऑफ डू एंड डज ता है, ती है, ते है. तो जो पहला स्ट्रक्चर है, बोलना क्या है आपको, पहला स्ट्रक्चर आप देख लीजिए यहाँ पर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्पीक सब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑल्सो एस आर ई एस इन वर्ब इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर सब्जेक्ट. अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो एस या ई एस भी उसमें बोलना होगा और आपको क्या बोलना होगा, ऑब्जेक्ट. एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं पढ़ाता हूँ I teach, आप पढ़ते हैं you read. जितना भी आप काम करते हो, डेली जो आपसे काम होता है, जो आप करते हो या कोई और करता है, उसकी अगर इंग्लिश आपको बोलना है तो यही आपका स्ट्रक्चर है और यही आपका फार्मूला है, ये आपका लेसन है. तो वह बोलता है he speaks, मैं बोलता हूँ I speak, आप समझते हैं you understand, मैं समझता हूँ I understand, मैं खेलने जाता हूँ I go to play, आप खेलने आते हो यू कम टू प्ले, वह सुनने जाता है ही गोज टू लिसन. अब आप सोच रहे होंगे यस कहाँ लगेगा, यस कहाँ लगेगा. वेल, तो सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या यस लगता है, प्लूरल के साथ नहीं लगता, क्योंकि वर्ब हमेशा प्लूरल होती है. तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल होनी, सिंगुलर होनी चाहिए. तो आप क्या बोलेंगे, हर जगह यस लगाएंगे. जैसे रीड है तो एस रीड्स, ठीक है, स्पीक है तो स्पीक्स. लेकिन अगर किसी वर्ब के लास्ट में ओ रहे, यक्स रहे, सी एच रहे, टी एच रहे, यस एच रहे और डबल यस रहे, तब हम क्या लगाते हैं, ई एस. जैसे वह जाती है सी गोज, मैं जाता हूँ आई गो. कुछ लोग बोलते हैं आई गोज, कुछ लोग बोलते हैं यू गोज, गलत है, ठीक है. अगर आप इस लेसन को अच्छे से तैयार करेंगे तो आपको जो ग्रामर की आप मिस्टेक करते हैं वो भी आपसे नहीं. तो जितना भी आप काम करते हो या कोई काम करते हो उसकी अंग्रेजी बोलनी है तो ये वाला आप स्ट्रक्चर, ये फार्मूला आप पढ़ लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिए. दूसरा स्ट्रक्चर क्या कह रहा है कि अगर जो काम आप नहीं करते हैं, जैसे किसी ने कहा कि अरे यार आप बड़े खराब हैं, आप चोरी करते हैं, तो आप कहेंगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं चोरी नहीं करता, मैं चोरी नहीं करता हूं, वह नहीं आता है, मैं नहीं बोलता हूं. तो मतलब अगर कोई भी काम आप नहीं करते हैं जो आपको प्रेजेंट को रिलेट कर रहा है, जो आपके प्रेजेंट मैटर को रिलेट कर रहा है, तो आप स्ट्रक्चर क्या बोलना है आपको. अब मैं सब्जेक्ट का शॉर्ट लिख रहा हूँ सब, सबसे पहले आप बोलेंगे सब्जेक्ट. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो आप बोलेंगे डज नॉट, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप बोलेंगे डू नॉट. उसके बाद से आपको बोलना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में आपको बोलना है ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस नहीं लग रहा है, वेल आप नहीं बोलेंगे. अगर डज या डू लग रहा है सेंटेंस में आप बोल रहे हो तो यस या यस नहीं बोला जाता है. तो जैसे वह नहीं आती है, सी सब्जेक्ट है, सी डज नॉट कम, मैं नहीं आता हूं आई डोंट कम, आप नहीं पढ़ते हैं यू डोंट रीड, मैं नहीं जानता हूं आई डोंट नो. समझ में आ रहा होगा.
अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्या से आप प्रश्न पूछेंगे, तीसरा हमारा फार्मूला, तीसरा स्ट्रक्चर हमारा क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आपको क्या से प्रश्न पूछना है किसी प्रेजेंट की बात को, किसी प्रेजेंट मैटर को क्या से, जैसे क्या पढ़ते हो, क्या बोलते हो, क्या वीडियो देखते हो। अब मैं आप लोगों से पूछ लूँगा, क्या आप मेरी वीडियो को लाइक करते हो, क्या आप इसको पसंद करते हो, क्या आप यहाँ से कुछ सीखते हो। तो अगर क्या से आपको स्टार्ट करना होगा तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्पीक डज आर डू। सबसे पहले आपको क्या बोलना होगा, डज बोलना होगा या तो डू बोलना होगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे तो आप डज बोलेंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट की बात करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, डू बोलेंगे। जैसे इसमें मैं एग्जाम्पल लिखा हूँ, बहुत अच्छी बात है, इसमें मैं एग्जाम्पल लिखा हूँ, जब इसको आप समझ जाओगे ना तो उसमें प्रश्न होता है यस में तो आप इसको रिलेट कर सकते हो, नो में इसको रिलेट कर सकते हो। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ देख लीजिए आप ध्यान से, जैसे क्या वह मुझे जानता है, तो क्या की इंग्लिश मैंने बताया जब अगर क्या से पूछना है तो क्या की इंग्लिश क्या हो जाएगी, डज, क्योंकि इसमें बात हो रही वह ही की, ही क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या वह मुझे जानता है, इंग्लिश इसकी देखिए, डज ही नो मी। अगर वो मुझे जानता हो आप कहेंगे यस ही नोज यू, वह आपको जानता है। अगर वो नहीं मुझे जानता है तो नहीं जानता, कोई काम नहीं करता, तो उसके लिए ये वाला सब्जेक्ट, ये वाला स्ट्रक्चर। तीसरे एग्जाम्पल देखिए, ही डज नॉट नो यू, ही डज नॉट नो यू। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, क्या आप उसे प्रेरित करते हैं, प्रेरित मतलब मोटिवेट, इंस्पायर, तो क्या आप, तो यहां प्लूरल की बात हो रही है, आपकी बात हो रही है, यू की बात हो रही है, तो क्या की इंग्लिश क्या होगी, यहां देखिए डू, तो इसलिए क्या है, डू यू, क्या आप। अब क्या बोलना है आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मोटिवेट हिम, अगर लड़की है तो हर, डू यू मोटिवेट हिम, या बोलेंगे डू यू मोटिवेट हर। अगर आप किसी को मोटिवेट करते हैं जिसके बारे में वो सामने वाला पूछ रहा है तो आप कहेंगे वेल यस ऑफ कोर्स आई मोटिवेट हिम या आई मोटिवेट हर, यहां देख सकते हैं आई मोटिवेट हिम या आई मोटिवेट हर। अगर आप मोटिवेट नहीं करते, मान लीजिए ऐसा कोई काम ही नहीं करते आप, तो बोलेंगे सॉरी आई डू नॉट मोटिवेट हिम या बोलेंगे आई डू नॉट मोटिवेट हर। अंडरस्टूड गाइस। तो एक और स्ट्रक्चर आप देख लीजिए यहां पर, अगर आपको कब, क्यों, कहां, कैसे, इससे प्रश्न पूछना है, जब बीच में आते हैं, जैसे आप क्यों आते हो, वह क्यों पढ़ता है, आप कैसे आते हो, आप कब पढ़ते हो, आप वीडियो क्यों बनाते हो, तो यहां आप देख लीजिए चौथा हमारा जो स्ट्रक्चर, ये कह रहा है कि क्वेश्चन वर्ड को पहले बोलो जिससे प्रश्न बनता है। जैसे क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, व्हाई, कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन, तो उसकी इंग्लिश पहले बोलोगे। फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको डज या डू बोलना है, फिर आपको क्या बोलना है, सब्जेक्ट बोलना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलना है, फिर आपको क्या बोलना है, लास्ट में ऑब्जेक्ट बोलना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल यहां पर लिखा है, आप वीडियो क्यों देखते हो, आप वीडियो क्यों देखते हो, तो आप वीडियो क्यों देखते हो, प्रश्न किससे बन रहा है, क्यों से, क्यों की इंग्लिश व्हाई, अब आपकी बात हो रही है इसलिए क्या लगेगा, डू, व्हाई डू यू, व्हाई डू यू वॉच वीडियो, व्हाई डू यू वॉच वीडियो, आई होप यू आर गेटिंग दिस वीडियो, यू आर गेटिंग दीज स्ट्रक्चर, दीज एग्जाम्पल, आप इस एग्जाम्पल को, इस स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल, सबसे पहले इस पे, मैं वीडियो बनाता हूँ, आई मेक वीडियो, आप वीडियो नहीं बनाते हैं, यू डोंट मेक वीडियो, क्या आप वीडियो बनाते हो, डू यू मेक वीडियो, क्या वह आता है, डज ही कम, मोदी जी कहाँ जाते हैं, इस पे वेयर डज मोदी जी गो, आप क्यों आते हो, वाई डू यू कम, आप क्यों बोलते हो, वाई डू यू स्पीक। अगर आपका कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें आपका नहीं लगा रहेगा तो आप सब्जेक्ट के बाद लगा देना, जैसे आप क्यों नहीं आते, वाई डू यू नॉट कम, आप कहाँ नहीं जाते हो, वेयर डू यू नॉट गो। तो कोई भी कन्वर्सेशन हो वहां पर जरूर से जरूर इस लेसन का काम आता है, इसी लेसन से इंग्लिश बोली जाती है। कोई भी, जैसे आप किसी से मिलते हैं, और भाई इस समय आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, और आप कब कोचिंग जाते हो, आप कैसे पढ़ते हो, अरे यार आप तो अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते हो, कैसे बोलते हो, क्यों बोलते हो, अच्छा कहाँ जाते हो, कहाँ सीखते हो, आया ना। तो हर एक कन्वर्सेशन में इसका काम है, किसका, लेसन नंबर जो फर्स्ट है जो मैं आपको दे रहा हूं उसका क्या नाम है, यूज ऑफ डू एंड डज। सो गाइज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक, इफ यू गेट गुड इंफॉर्मेशन, इफ यू गेट गुड नॉलेज, एंड
So subscribe my channel and enjoy this video and share this video. And also, if there is any confusion, any problem, any question, just share in comment box. Sure, I will reply. Till then, take care. See you next video. Bye-bye.